And action. जनाब, आज पहली बार मैं राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है। बिल्कुल सही है जनाब, लेकिन मैं राजपाल साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि इनफैक्ट इस कोर्ट में बैठे हर एक इंसान से सवाल पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब, कि जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है, तो फिर क्यों चलाते हैं हमारे इन खूबसूरत चेहरों को खूबसूरती में भट्टा लगाने, क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे भिखारियों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, एंड वो है जस्टिस। और ये हक ना ही राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना ही आप और ना ही कोर्ट, क्योंकि ये हक देता है हमारे देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब भी इनके इंसाफ की बात आती है ना जनाब, तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं, इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब, इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक, नहीं जनाब, जोक क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया, और 6 महीने यह केस चलने दीजिए और राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि यह ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। 1 साल और ये केस चलने दीजिए जनाब, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये बंदा सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है, और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होती, यही कहा था ना आपने, लेकिन राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ियां चलाने के लिए भी नहीं होती है। कानून की बात करते साहब, जनाब बचपन से सुना है, कई पिक्चरों में देखा है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अजी घंटा लंबे होते, अगर लंबे होते हैं तो ये रहा आपका राहुल दीवान, उठाइए और डाल दीजिए इसको जेल में, दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ कितने लंबे। आपको पता है जनाब, आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपके पीछे जोक्स बनाए जाते हैं, आपके एसएमएस बनाए जाते हैं, आपकी रेट फिक्स किए जाते हैं जनाब, आपकी इज्जत खतरे में जनाब, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, और इनके ऊपर एहसान मत कीजिए, बस इनको इनका हक दे दीजिए जनाब।